बहुत अच्छी लगी। और रोग जॉन अब्राहम के काम के बारे में क्या कहना चाहोगे? ज़बरदस्त, अच्छी लगी ना फिल्म। बहुत स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी भी अच्छी थी बहुत। कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एवरी इंडियन को ये देखनी चाहिए। ओके, कितने स्टार आउट ऑफ 4.5? नथिंग मच ग्रेट। कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, नथिंग, नो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। नॉट एंटरटेनिंग, नथिंग, नो एक्शन, नथिंग, कुछ मारा मारी कुछ है ही नहीं। मींस एजेंट की लाइफ दिखाई है, लेकिन आई डोंट थिंक इट विल क्लिक। एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग कर लेता है, बट कुछ एंटरटेनिंग नहीं है ना। यू कांट गेट थ्रू, पब्लिक बोर हो रही है, बैठे बैठे सो रही है सर। मेरे पड़ोसी तो खड़ाटे मार रहा हूँ बेचारा, तो क्या करें बताओ। देने के लिए दो दूंगा, बाकी देने के लिए म्यूजिक के ऊपर ध्यान नहीं जाता कभी भी। पिक्चर वो तो ढला ढड़ चलता रहता है आजकल। नथिंग, थैंक यू। लगी है और देश के लिए कुछ अच्छा उन्होंने पिक्चर बनाई है। हमें कुछ नया जानने को मिला हिंदुस्तान को, कि हमारे देश के कुछ आदमी उधर जाके कुछ अच्छा काम करते हैं। उनको बहुत बेहतरीन पिक्चर लगी और 5 स्टार देना चाहते हैं हम इसे। और देश के हर आदमी देखना चाहते हैं कि हमारे देश के वतन के लिए कुछ करते हैं कोई हमारे लिए। लेकिन बेहतरीन होने की वजह क्या क्या खास है इस फिल्म में? स्क्रिप्ट खास है, एक्टिंग खास है, लोकेशन क्या खास है? नहीं, इसमें देश के लिए खास आदमी हमारे जाते हैं पाकिस्तान में, वो स्टोरी बहुत खास है कि उन्होंने अपनी जान पे बाजी लगा के काम करते हैं, वो हमें बहुत बेहतरीन लगी है। और कोई कमजोरी है इस फिल्म में? इस कमजोरी है कोई फिल्म में जिसे आप? मुझे कमजोरी लास्ट का यही कमजोरी लगी कि हमारे हिंदुस्तान के जहाँ जाते हैं उधर फिर उनको कुछ कदर नहीं होती है, वो कमजोरी लगी मेरे हिंदुस्तान के लिए कि उधर 2 जमीन भी नहीं मिलती उनको, कि आने के लिए भी नहीं मिलती। और बहुत मुझे दुख लगा कि हमारे हिंदुस्तान के वहाँ जाके उसकी कोई कदर नहीं होती। सर के साथी हूँ, सर ने जो बताया वही। और टोटल मिला के फिल्म अच्छी थी और हीरो वगैरह सब एक्टिंग अच्छी, गुड एक्टिंग, एवरीथिंग इज गुड। मैं 5 स्टार देना चाहूँगी, मुझे अच्छी लगी ये फिल्म। फिल्म वाकई अच्छी है, जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि कन्विंसिंग है बहुत सारी जगह पे। और जॉन अब्राहम की एक्टिंग, बहुत कन्विंसिंग थी। सिकंदर खेर ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे ही मैंने मूवी की स्टार्टिंग देखी, सो सिकंदर खेर और जॉन अब्राहम के एक शॉट से चालू होती है मूवी। और मैंने जैसे सिकंदर खेर को देखा, वाज लाइक क्वाइट शॉक्ड कि ओ सिकंदर खेर भी है इस मूवी में। और जैसे कि उनके इस विचित्र रोल को देखकर आई वाज क्वाइट शॉक्ड, एंड मुझे अच्छा लगा उनका एक्ट पूरी मूवी। थ्रू आउट द मूवी सिकंदर खेर वाज क्वाइट कन्विंसिंग, इवन जॉन अब्राहम। एंड जैकी श्रॉफ को मतलब ऐसे रोल में देख करके भी, खैर जैकी श्रॉफ इज़ अ लेजेंड आई वुड से। सो या मूवी बहुत अच्छी बनाई है, जो कन्वे करना चाह रहे हैं लोग कि भारत अभी भी ध्यान रखता है अपने सिपाहियों और अपने देशवासियों का। So I would say this is a good attempt for India to show respect to all the martyrs who have given their life for India, and they have been always, they've been unknown like for their lifetime. So a good message from movie, and yeah, the movie itself, like it shows ki in the end the final message from movie is that we are always trying to avoid wars, and these people are there to help to make the lives better. Okay, kitne stars dena chahenge film? I would give 4 stars. Thank you. John का 4-5 किरदार था, कि कौन सा किरदार में John आपको सबसे अच्छा लगा? John जो पाकिस्तानी किरदार में है वो ही बहुत अच्छा लगा। So and इसी के साथ फिल्म में मौनी रॉय भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मौनी रॉय का ज़्यादा रोल तो नहीं है, बट जितना भी उनका काम है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया है और बहुत अच्छी तरह से जस्टिस किया अपने कैरेक्टर को। So Jackie Shroff has done a superb job, like he is really done amazing work. स्टोरी आई वुड गिव 5 out of 5 फॉर द स्टोरी। द स्टोरी हैड अ वेरी गुड कंटेंट, इट वॉज ऑल द स्टोरी। डन अ गुड जॉब।